हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज अमित हियर। लास्ट लेक्चर में हमने केमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन किया था एंड हमने ये देखा था कि आपके सिलेबस में केमिस्ट्री की तीन ब्रांचेस है। नंबर वन इज फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द लास्ट वन इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक एट द हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 18वीं सदी में, जब साइंटिस्ट वाइटलिज्म कॉन्सेप्ट पे बिलीव कर रहे थे। लेट्स अंडरस्टैंड वाइटल फोर्स थ्योरी। इट वाज गिवन बाय बर्जेलियस इन 1815। ही सजेस्टेड दैट देयर इज अ मिस्टीरियस फोर्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच वाज नेम्ड एज वाइटल फोर्स। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द लैब। तो बर्जेलियस के हिसाब से स्टूडेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर नहीं बनाया जा सकता। दुनिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है, जो फ्रूट्स में, एनिमल्स में, जितने भी लिविंग थिंग्स में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है, ये कोई वाइटल फोर्स, कोई दैवी शक्ति से बनाए हुए हैं। एंड इसी कॉन्सेप्ट को बोला गया था स्टूडेंट वाइटलिज्म कॉन्सेप्ट। पर उस सदी में एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके डिस्कवरी ने सब कुछ बदल दिया और उनका नाम था स्टूडेंट फ्रेडरिक ओहलर, जिन्होंने 1828 में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में सफलता प्राप्त की। दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय साइंटिस्ट फ्रेडरिक ओहलर इन 1828। ही सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। उन्होंने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट को लैब के अंदर हीट किया, तब उन्हें यूरिया नाम का ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल गया। अमोनियम सल्फेट वॉज रिएक्टेड विथ पोटेशियम साइनेट। इन द प्रेजेंस ऑफ हीट उन्हें दो कंपाउंड्स मिले, एक था अमोनियम साइनेट जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, एंड एक था पोटेशियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट के अंदर दो आयंस होते हैं स्टूडेंट, NH4+ एंड SO4-2। पोटेशियम साइनेट के अंदर K+ एंड CNO- होता है। यहाँ पर आप आसानी से प्रोडक्ट्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दिस NH4+ विल गो विथ CNO- एंड दिस K+ विल गो विथ SO4- एंड वी गेट अमोनियम साइनेट एंड पोटेशियम सल्फेट। अब जैसे ही वो इसे ओवरहीट करते हैं, यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है एंड यहाँ पर उन्हें यूरिया मिल जाता है जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है स्टूडेंट आइसोमर्स। स्टूडेंट्स, फ्रेडरिक ओहलर के इस एक्सपेरिमेंट से हम कुछ ऑब्जर्वेशन कंक्लूड कर सकते हैं। नंबर वन इज द फिनोमिनन ऑफ आइसोमेरिज्म। इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चला कि दुनिया में ऐसे भी कंपाउंड मौजूद है जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है बट उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वेरी हो सकता है। एंड सेकेंड इज वी कैन सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड इनसाइड द लैब। दोस्तों, आज जितने भी मेडिकेशंस हमारे पास है उसमें से मोस्ट ऑफ द मेडिकेशंस आर मेड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आप इस एक्सपेरिमेंट का इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि ओहलर के इस एक्सपेरिमेंट ने दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको एक रास्ता दिखाया कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो यूरिया दुनिया का फर्स्ट ऐसा कंपाउंड है जो लैब में सिंथेसाइज किया गया है। क्लियर? दिस ग्राउंड ब्रेकिंग मूवमेंट मार्क द राइज ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब हम 19वीं सदी में चलते हैं, एट दैट टाइम केमिस्ट स्टार्टेड आइसोलेटिंग एंड कैरेक्टराइजिंग वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन 1845 द इमिनेंट केमिस्ट मेड एस्टिक एसिड इनसाइड द लैब व्हिच वाज यूजुअली डिराइव्ड फ्रॉम फ्रूट ग्रेप्स एंड एप्पल्स। साइंटिस्ट हरमन कोल्ब इन 1845 सिंथेसाइज्ड एस्टिक एसिड। दिस वाज फॉलोड बाय बर्थलॉट सिंथेसिस ऑफ मीथेन। 1856 तक यह माना जाता था कि मीथेन लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है। साइंटिस्ट बर्थलॉट इन 1856 सिंथेसाइज्ड मीथेन। नाउ डियर स्टूडेंट, अब तक हम इतना श्योर हो गए थे कि बर्जेलियस का जो थ्योरी था, उनका जो आइडिया था, वो वैलिड नहीं था एंड दिस डिमांड्स न्यू डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दोस्तों, एक समय की बात है, 19वीं सदी में ऐसे अद्भुत वैज्ञानिक थे जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के रहस्यमय दुनिया जानने के लिए प्रयास कर रहे थे। वन सच साइंटिस्ट वॉज विजनरी अलेक्जेंडर बटलेरो फ्रॉम रशिया। इन 1861 बटलेरो नामक साइंटिस्ट ने दुनिया के सामने एक ऐसा अद्भुत कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। इसमें उन्होंने ये बताया कि जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त का हाथ पकड़ता है, वैसे ही एक एटम दूसरे एटम के साथ कनेक्टेड है थ्रू केमिकल बॉन्ड्स। He was a Russian chemist, one of the principal creator of the theory of chemical structure, the first to incorporate double bond into structural formulas and the discoverer of hexamine, formaldehyde and Fomor's reaction.
He first proposed the idea of possible tetrahedral arrangement of valence bond and carbon compound in 1862. And this idea laid the foundation for modern structural theory in organic chemistry. Meanwhile, across the sea in Scotland, another brilliant mind was at work. और उनका नाम था साइंटिस्ट आर्चिबाल्ड कूपर. In 1858, he independently proposed similar idea of chemical structure, जिसमें उन्होंने ये कहा कि एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से कनेक्टेड है थ्रू द बॉन्ड. These are structure of alcohol and oxalic acid given by Archibald Cooper using elemental symbol for atoms and lines for bonds in 1858. He was a Scottish chemist who proposed an early theory of chemical structure and bonding. He developed the concept of tetravalent carbon atom linking together to form larger molecule, and that the bonding order of an atom in a molecule can be determined from chemical evidence. Dear student, at that time, Cooper's contribution were instrumental in shaping the understanding of molecular connectivity. अब दोस्तों, हम केमिस्ट्री जगत के one of the most important compound के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और उसका नाम है स्टूडेंट बेंजीन. The word benzene derives historically from gum benzoin, sometimes called Benjamin. Gum benzoin was known as an aromatic resin. Michael Faraday, an English scientist, first discovered benzene in 1825. He extracted this remarkable hydrocarbon from cylinders of compressed illuminating gas which had been collected from the pyrolysis of whale oil. The name benzene was given by German chemist Mitscherich in 1834. He also determined the empirical formula of benzene, that is C6H6. अब तक हम बेंजीन को एक्सट्रैक्ट तो कर चुके थे और हमें यह भी पता था कि उसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H6, पर हमें अब तक उसके स्ट्रक्चर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी. बट द रियल ब्रेक थ्रू केम फ्रॉम ऑगस्ट केक्यूले, ए ड्रीमर फ्रॉम जर्मनी इन 1865. He comes under one of those people who often considered as founder of modern organic chemistry. In 1865, Kekulé ने एक बहुत अद्भुत सपना देखा, जिसमें एक सांप अपनी खुद की पूंछ को पकड़ रहा था. इसी सपने ने उन्हें यह विचार करने के लिए प्रेरित कर दिया कि C6H6, that is benzene, इसका जो स्ट्रक्चर है वह साइक्लिक है, जिसके अंदर अल्टरनेटिव कार्बन कार्बन सिंगल एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. दिस कॉन्सेप्ट रिवोल्यूशनाइज organic chemistry, establishing the concept of aromaticity and modern chemical bonding theory. अब यहाँ पे important point ये है student, जो carbon carbon single bond की bond length है वो होती है 1.54 angstrom और 0.154 nanometer. जो carbon carbon double bond है उसकी bond length होती है 1.34 angstrom. carbon carbon triple bond की bond length होती है 1.20 angstrom. According to Kekulé, in the benzene there are two types of bonds, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. तो केक्यूले ने यह कहा था कि बेंजीन के अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये अल्टरनेटिव फैशन में प्रेजेंट है, एंड अगर आप इसे प्रॉपर लेंथ के हिसाब से अगर ड्रॉ करोगे तो कार्बन कार्बन सिंगल का बॉन्ड बड़ा होगा, कार्बन कार्बन डबल का बॉन्ड थोड़ा छोटा होगा, तो आपको कुछ इस तरीके का डिस्टॉर्टेड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखाई देगा. एक ऑब्जर्वेशन बेंजीन के बारे में आया और वो ये था कि normally कोई भी अल्कीन easily undergoes addition reaction. Here you can see cyclic alkene goes addition reaction in the presence of bromine. But जब यही reaction bromine का जब हम benzene के साथ करते हैं, instead of going addition reaction, benzene undergoes substitution reaction. Then the question arises, why this is happening? अब इन्हीं सारे सवालों के जवाब find out करने के लिए हम जाते हैं year 1929. In year 1929, a paper published by famous scientist Kathleen Nosteay show that benzene is a flat ring structure and all bonds of benzene are of same length by using X-ray crystallography technique. X-ray diffraction method. She did lots of calculation without having any technology at that time. यहाँ पे आप देख सकते हो student, carbon carbon single bond length is 1.54 angstrom, carbon carbon double is 1.34 angstrom, but जो benzene में जो bond length है, that is 1.39 angstrom.
मतलब ये बॉन्ड जो है बेंजीन के, ये ना तो प्योरली सिंगल बॉन्ड है, बिकॉज अगर सिंगल बॉन्ड होते तो बॉन्ड लेंथ 1.54 आती, ना ही प्योरली डबल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड होती प्योरली तो बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रम आती, बट ये इन दोनों के बीच में आ रहा है स्टूडेंट 1.39 एंगस्ट्रम। मतलब इस बेंजीन के अंदर जो पूरे छह बॉन्ड है, ये छह के छह ना तो प्योरली सिंगल बॉन्ड है ना तो प्योरली डबल बॉन्ड है, दे आर हैविंग पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। मींस यहाँ पे जो तीन पाई बॉन्ड है, मतलब छह पाई इलेक्ट्रॉन है, दिस इज कंटिन्यूअसली मूविंग इनसाइड द रिंग। ओके, वी आर यूजिंग फर्स्ट टू स्ट्रक्चर जस्ट टू शो द रिएक्शन मैकेनिज्म, बट थर्ड स्ट्रक्चर इज द मोस्ट करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। हियर यू कैन सी द फ्लैट रिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। Soon after, chemists work on isomerism and this show diverse nature of formic compound. 20वीं सदी के शुरुआत में और भी विकास हुआ, scientists started understanding functional groups. At the same time, scientists started working on chemical reaction and their mechanisms. The mid-20th century significant advancement in technology revolutionized the field of chemistry, particularly in relation of spectroscopy and analytical techniques. Two key techniques that emerged during this time were NMR and mass spectrometry. These techniques provided scientists with powerful tools to investigate the structure, composition and behavior of molecules in detail. And because of all these things, नए नए organic compound discover होना शुरू हो गए। NMR and mass spectrometry continue to be important tool in the modern chemistry, playing crucial role in material science, drug discovery, biochemistry, etc. अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज के डेट में what is modern definition of organic compound? Modern definition of organic compound. So first of all, look at what is organic compound. Hydrocarbon and their derivatives are known as organic compound. So ये जो definition है student, इसमें से जो first word है hydrocarbon. So let's understand what is hydrocarbon first. The compound which contain hydrogen and carbon atom or made up of hydrogen and carbon are called as hydrocarbon. Let's see the examples of hydrocarbon. Here you can see methane, ethane, and there are so many examples of hydrocarbon. So, ऐसे सभी एटम जो ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन से बने हुए हैं उनको अपन क्या बोलेंगे स्टूडेंट, हाइड्रोकार्बन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। यहां पे स्टूडेंट आपके सामने मीथेन है, अगर इस मीथेन से हम एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और एक OH ग्रुप ऐड करेंगे तो दिस विल बी लाइक CH3OH एंड दिस कंपाउंड का नेम होता है स्टूडेंट मिथेनॉल। तो मिथेन इज हाइड्रोकार्बन, बट मिथेन में कुछ चेंज करने के बाद हमें जो कंपाउंड मिला है दैट इज मिथेनॉल, इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। सिमिलरली इथेन रिप्लेस वन हाइड्रोजन बाय Cl, इट विल बी क्लोरोइथेन। सो इथेन इज हाइड्रोकार्बन एंड क्लोरोइथेन इज डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। सिमिलरली इथेन बाय चेंजिंग सम ग्रुप वी गेट द इथेनॉइक एसिड, इन द इथेन इफ वी चेंज सम ग्रुप वी गेट ब्रोमोइथीन। सो दिस ऑल कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन, whereas these all compounds are derivative of hydrocarbon. I hope this is very very clear to you. Hydrocarbons, there are two types of hydrocarbons, saturated and unsaturated. Saturated hydrocarbon are those containing carbon carbon single bond, and unsaturated hydrocarbon contains carbon carbon double bond and carbon carbon triple bond. Saturated hydrocarbon containing carbon carbon single bond is called as alkane, also called as paraffin, whereas compound containing double bond is called as alkene and triple bond is called as alkyne. This is example of alkane, double bond alkene and triple bond alkyne. अब स्टूडेंट हम लोग कुछ स्पेशल कंपाउंड के बारे में डिस्कशन करेंगे जिनको बोला जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, जो आपके सिलेबस में आपको कहीं ना कहीं नजर आए। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कंपाउंड इन विच कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड विथ मेटल बाय कोवेलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अगर सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, कार्बन इज ए नॉन मेटल एंड अगर ये कार्बन किसी भी मेटल के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है सो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे स्टूडेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है स्टूडेंट
2.5, whereas जितने भी मेटल्स है प्रेडिक्टेबल में उनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होता है स्टूडेंट, इट इज लेस देन 2.0. लेट्स लुक एट सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड. यू नो R इज एन अल्काइल ग्रुप, इट मे बी मिथाइल इथाइल एक्सेट्रा. फर्स्ट एग्जाम्पल इज RMGX. दिस इज अवर फेमस ग्रिग्नार रिएजेंट, अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड. R2ZN, फ्रैंकलैंड्स रिएजेंट. R2CuLi, दिस इज गिलमन्स रिएजेंट. तो इन सारे एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हो R जो ग्रुप है दिस इज अवर कार्बन, एंड मैग्नीशियम जिंक कॉपर ये क्या है स्टूडेंट, मेटल्स है. सो यहाँ पे कार्बन और इन मेटल्स के बीच में क्या है, एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज एन ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड. नाउ स्टूडेंट, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड्स हैव डाइपोल्स. कार्बन इज हैविंग नेगेटिव चार्ज. लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, CH3MgCl, दैट इज मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड. तो यहाँ पे ये जो कार्बन है एंड ये जो मैग्नीशियम है, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है स्टूडेंट, कार्बन की, दैट इज 2.5, एंड मैग्नीशियम की कितना है, दैट इज लेस देन 2.0. तो ये जो दो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये कौन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा स्टूडेंट, कार्बन. सो कार्बन के सर के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा स्टूडेंट, नेगेटिव चार्ज. एंड मैग्नीशियम को कौन सा चार्ज मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज. एंड यू नो द इलेक्ट्रोफाइल हैव द पॉजिटिव चार्ज. सो ये रिएक्शन कैसे होगा स्टूडेंट, इस तरीके से. आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू. फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट लर्निंग हाउ टू ड्रॉ डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स एंड सो मेनी थिंग्स. सो प्लीज बी विद अस डियर स्टूडेंट. टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.